स्टार्टिंग बायो पार्ट ऑफ योर साइंस बुक. तीन पार्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो. केमिस्ट्री की ऑलरेडी हम दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड फिजिक्स का भी हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, मोशन. नेक्स्ट चैप्टर भी हम स्टार्ट कर सकते थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन कंटिन्यूस हो जाता, बट बायो पार्ट भी पहले स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज बायो पार्ट इज मोर इजी देन फिजिक्स पार्ट. बायो पार्ट में सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आता है दैट इज चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये चैप्टर आपके कोर्स में है, डिलीटेड टॉपिक्स में से इसमें कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, इसके सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं एज इट इज चैप्टर कंप्लीट होगा. एंड नेक्स्ट चैप्टर है जो टिश्यू है, जो सेल के आगे ही है टिश्यू, चैप्टर 6, वो भी हमें कम्प्लीट करना ही है. बायो पार्ट में ऐसा कुछ रिलेटेड टॉपिक्स में इतना कुछ है नहीं. इसके बाद सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोई भी लाइफ है, ह्यूमन बीइंग्स बोल लीजिए या फिर लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ आपको पता है पहले से ही क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या डिफरेंस है. लिविंग थिंग्स में जो फंडामेंटल यूनिट है जिसके बिना लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, दैट इज सेल. तो जो चैप्टर है इज ऑल अबाउट सेल. तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर में सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. सेल का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वेदर इट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्योंकि लिविंग थिंग्स में एनिमल्स भी आते हैं एंड प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स का ही एक एग्जाम्पल है. हम ह्यूमन बींग एनिमल में ही काउंट होते हैं, सोशल एनिमल हम बोल सकते हैं ह्यूमन बींग्स को. वापस आते हैं टॉपिक सेल पर, सेल से स्टार्ट करते हैं. सेल सबसे मेन स्मॉलेस्ट यूनिट है. अब स्मॉलेस्ट यूनिट में भी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट भी यही है एंड स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी यही है. दैट मीन जहां से एक किसी भी ह्यूमन का बोल लीजिए, किसी प्लांट का बोल लीजिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सिस्टेंस जो स्टार्ट होता है वह उस सेल से ही स्टार्ट होगा. सबसे पहले एक वर्ड और हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम पढ़ते हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हम पढ़ते हैं. तो ऑर्गेनिज्म जो एक वर्ड है ये कैसे बनता है, सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है कि जो सेल है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी ढांचे के बनने से पहले जो बेस चाहिए होता है, जहां से कोई भी चीज बनना स्टार्ट होती है, दैट इज सेल. अब ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, एक जो सेल होती है सबसे छोटी होती है, देन सेल और सेल मिलकर टिश्यू बनाता है. अब जो टिश्यू है वो चैप्टर 6 है, जिसके बारे में हम टिश्यू के बारे में ही पढ़ेंगे या हम सेल के बारे में ही पढ़ेंगे. तो ये चैप्टर 5 है एंड ये चैप्टर 6 है, इज ऑल अबाउट सेल एंड इज ऑल अबाउट टिश्यू. मैं आगे भी बता देती हूँ, एक ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है, देन टिश्यू और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गन बनता है टिश्यू और टिश्यू मिलाकर. यहां मैं दो लिख रही हूँ, दैट नॉट मीन, यहां ग्रुप है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे कंप्लीट. जैसे एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होंगे, बहुत सारे टिश्यू होंगे और सेल्स की तो कोई गिनती ही नहीं होती है. तो ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. एंड ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर कोई भी अदर सिस्टम्स, बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड अदर सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो ये सारे सिस्टम मिलकर, ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो ऑर्गेनिज्म चाहे वो कोई भी प्लांट हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एनिमल हो, तो स्टार्टिंग कहां से हुई, स्टार्टिंग सेल से हुई. दैट मीन कि कोई भी जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बेस है किसी भी लाइफ का, वो सेल है. सेल के बिना कोई भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. इसके बाद आते हैं, जब सेल के बारे में हम पढ़ते हैं तो सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट हमने बताया है, तो इतनी छोटी यूनिट है
कि आप उसे अपनी आईज से नॉर्मली नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसका साइज बहुत कम है सेल का। तो सबसे पहले सेल का, जो भी सेल के बारे में बताया है उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। लेकिन सेल के बारे में जो कंप्लीट बताया है वो बताया है थियोडोर सचवान और मैथियस जाकोब स्केलेटन 1838 में थियोडोर सचवान और स्केलेटन ने, जर्मन के बायोलॉजिस्ट हैं ये, जर्मन के बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये सेल के बारे में कंप्लीट बताया है। कंप्लीट बताने से पहले उन्होंने सेल के लिए कुछ पॉइंट्स दिए, सेल थ्योरी बनाई है कंप्लीट, जिसमें हम सेल के बारे में जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो सब इंक्लूड किए गए। अभी हम जब ये लिखेंगे तो हम लिखेंगे बाद में, अभी हमको समझना है। तो सेल के बारे में कंप्लीट बताएंगे हम, सेल थ्योरी में उसने सारे पॉइंट दिए हैं। सेल थ्योरी का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग का तो अब हम बात ही नहीं करेंगे जब हमने सेल स्टार्ट कर दिया, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी, वेदर इट इज एनिमल और प्लांट या हम हो ह्यूमन बींग्स, कोई भी हो, लाइफ जहां भी होगी, लिविंग बींग्स जहां भी होंगे, उनका मतलब है कि वो सेल से ही मिलकर बने। तो जो स्मॉलेस्ट चीज जो भी है, यूनिट है, दैट इज सेल। इसके बाद सेकंड जो उन्होंने पॉइंट दिया था, दैट इज जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है सेल की, वो सभी में सेम होती है। जो नॉर्मली बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं सेल की, ऐसा नहीं है शेप डिफर होती है, अलग अलग होती है, शेप भी अलग अलग होता है, साइज भी अलग अलग होता है। लेकिन एक बहुत मिसकंसेप्शन जो ये है, जैसे अगर हम एक आंट का एग्जांपल लें, चीटी, एंड एक एलिफेंट का एग्जांपल लें, तो दैट नॉट मीन कि जो आंट है उसमें सेल साइज छोटा है और जो एलिफेंट है उसमें सेल साइज बड़ा है। सेल के साइज से और ऑर्गेनिज्म के साइज से कोई रिलेशन नहीं है। ये नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो बड़ा है उसके वेट में या फिर उसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा है, दैट नॉट मीन कि उसका सेल स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा। सेल नॉर्मली जितना साइज होता है उतना ही रहता है, शेप अलग अलग हो सकता है। जो ऑर्गेनिज्म का, जो सेल का साइज है वो हो सकता है आंट का एंड एलिफेंट का सेम ही हो। तो जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंस कैसे होता है, वो होता है सेल के फंक्शंस के अकॉर्डिंग। बॉडी में जितने ज्यादा फंक्शंस होंगे उतने ज्यादा सेल होंगे, क्योंकि अलग अलग सेल का ग्रुप बना दिया जाता है कि दैट ये ग्रुप, उसको किसी टिश्यू का नाम मिलेगा, ये टिश्यू इस वर्ग के, जैसे आप कंप्लीट एक नर्व सिस्टम है, जो हमारी नर्व सेल्स बनी हुई है, तो वो क्या करती है, जैसे हमको भी हॉट या कोल्ड कोई भी थिंग अगर हम उसके हाथ लगाते हैं तो डायरेक्ट मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है, ब्रेन हमारा वर्क करता है कि आपको उस जगह को टच नहीं करना है, इट इज टू हॉट। तो उसी अकॉर्डिंग जो नर्व सेल्स हम हमारी वर्क करती है, तो जो एक पर्टिकुलर सेल्स को एक वर्क दिया हुआ है, उनका एक फंक्शन है कि ये इसीलिए ही वर्क करेगी। तो उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है, जो साइज अलग अलग हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, सेल के साइज से, सेल के शेप से कोई डिफरेंस नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज में। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था जो थियोडोर सचवान और स्केलेटन ने क्लियर किया था 1838 में। ये जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनको पूरा जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है, दैट इज ओल्ड, जैसे नए सेल्स हैं, ऑलवेज नए सेल्स बनते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं, तो कोई भी जो सेल है वो कहीं से उगता नहीं है, कोई पेड़ नहीं है जो डायरेक्ट उगेगा, कहीं से भी नहीं होता है। ओल्ड जो सेल होती है वो ही एक सेल में से दो सेल नए बनाती है, या दो में से देन चार बनेंगे, चार में से आठ बनेंगे, तो इस तरीके से ग्रोथ होती है, इस तरीके से नए सेल बनते हैं। तो नया सेल कहीं से भी उगता नहीं है डायरेक्ट, ओल्ड जो सेल्स होती है वो ही नया सेल जो होती है वो फॉर्म करती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज अभी जो मैं क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी होगा उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसे चाहे एलिफेंट के स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या फिर हम बात करें किसी भी ह्यूमन बींग के स्ट्रक्चर की, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के साइज से अकॉर्डिंग नहीं बनता है, सेल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। कि सेल का अरेंजमेंट किस तरीके का है, अरेंजमेंट सब में अलग अलग होते हैं। अगर कोई कैट है, डॉग है, आंट है, एलिफेंट है, हम है, सब में सेल का साइज सेम, सॉरी स्ट्रक्चर सेल का सेम हो सकता है, लेकिन अरेंजमेंट सभी में अलग अलग होता है। कि हमारे बॉडी में मान लीजिए नर्व सेल्स हैं या अदर सेल्स हैं, अदर टिश्यूज हैं, तो जरूरी नहीं है किसी भी डॉग में वही सेम टिश्यू या
सभी सेल सेम वर्क कर रहे हो, क्योंकि सभी लिविंग बींग्स का जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन अलग अलग है एक दूसरे से, इसी अकॉर्डिंग सेल का जो अरेंजमेंट है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और इसके बाद जो थ्योरी का जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज कि सेल ही डिसाइड करती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उसमें फंक्शन होगा। जैसे सेल है, नर्व सेल्स है, तो नर्व सेल्स ही डिसाइड करती है कि आपको कोई भी गर्म चीज है या ठंडी चीज है उसको हाथ लगाना है नहीं लगाना है। तो जो हमारा फंक्शन है हम क्या करेंगे, अब जैसे हम हाथ चला रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारा माइंड वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल ही वर्क कर रही है। तो ये है सेल थ्योरी जिसके बारे में अभी हम लिखेंगे। तो पहले अब हम इसके बारे में लिखेंगे, सचवान ने, मैथियस जाकोब स्केलेटन ने जो कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हैं। एक पॉइंट हमने स्टार्टिंग में लिखा है दैट द थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं और सेल ही एक बेसिक यूनिट है किसी भी लाइफ का। तो वॉज प्रेजेंटेड बाई थियोडोर सचवान एंड मैथियस जाकोब स्केलेटन, ये दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, 1838 में थ्योरी दी गई। तो आप उस थ्योरी में क्या बताया गया था, अब हम वो पॉइंट्स लिखेंगे जिसको हम सेल थ्योरी भी बोलते हैं। इसी में ही आप आगे लिख लेना, दिस थ्योरी इज कॉल्ड सेल
थ्योरी इन्होंने दी हुई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं, सेल थ्योरी क्या है। पांच मेन पॉइंट्स हैं जिसमें ही सारा कंक्लूजन है, तो हम पांच वही मेन पॉइंट्स एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। कभी भी अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको सेल थ्योरी के बारे में लिखना होगा, तो जो भी लास्ट लाइन मैंने लिखाई थी कि दैट द थ्योरी जो भी प्रेजेंटेड है नेम थियोडोर सचवान, वो कंप्लीट जो लास्ट टॉपिक है वो आपको सेल थ्योरी में ही लिखना है, वो सेल थ्योरी से अलग नहीं है। यहाँ तो मैं ओनली पांच पॉइंट लिखाई। फर्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। के लिए ही सेल नीडेड है, सेल बहुत जरूरी है उन फंक्शंस के लिए।
इसके बाद यहाँ पर ये सेल थ्योरी के 5 पॉइंट्स हैं, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके भी सेल के अकॉर्डिंग और न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल पढ़ेंगे विद द डेफिनेशन विद द एग्जांपल्स एंड शेप किस अकॉर्डिंग वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म में और साइज किस अकॉर्डिंग होगा। एंड देन ये चैप्टर इसी तरीके से चलेगा, द एनिमल सेल अलग पढ़ेंगे, प्लांट सेल अलग पढ़ेंगे और उनके अंदर की एक एक चीज है उसके बारे में भी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट द चैप्टर।